जियोग्राफी चैप्टर टू रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हेडिंग मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोशन भूमि क्षरण भूमि ह्रास का अर्थ सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड भूमि क्षरण भूमि ह्रास का अर्थ है कि भूमि की उपजाऊ पन का नष्ट होना बर्बादी होना इन अदर वर्ड्स रिमूविंग द सॉफ्ट एंड फर्टाइल फाइबर्स फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम ए प्लेस बाई नेचुरल फैक्टर्स एज वाटर रिवर रेन एंड एयर और प्रोसेस इज कॉल्ड द लैंड डिग्रेडेशन दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में मिट्टी का मुलायम परत का जिसमें उपजाऊ फाइबर्स तत्व होते हैं उसका हटना एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचना किसके द्वारा बाय नेचुरल फैक्टर्स प्राकृतिक जो तत्व होते हैं कारण होते हैं कारक होते हैं उसमें वाटर रिवर रेन एंड एयर आते हैं और या प्रोसेस उस प्रक्रिया के द्वारा एक मानवकृत प्रक्रिया के द्वारा भी भूमि का क्षरण होता है कटाव होता है इज कॉल्ड द लैंड डिग्रेडेशन भूमि क्षरण भूमि का ह्रास कहा जाता है टाइप ऑफ लैंड इरोजन भूमि के कटाव के प्रकार तो फर्स्ट है इसमें द सॉइल इरोजन इज ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ये भूमि क्षरण भूमि का कटाव या ह्रास के निम्न तीन प्रकार हैं फर्स्ट सरफेस ऑफ फ्लैकी इरोजन यानी कि धरातल का या परतदार कटाव धरातलीय या परतदार कटाव तेज इसमें है ड्यू टू हैवी रेन द सरफेस ऑफ अपर फर्टाइल पार्ट इज फॉलोड विद स्ट्रॉन्ग वाटर देन इट इज कॉल्ड सरफेस और फ्लैकी इरोजन भारी वर्षा और उसकी उपजाऊ सरफेस सतह का कटाव निम्न प्रकार से होता है इस प्रकार होता है पानी जो स्ट्रॉन्ग वाटर जो तेज बारिश मूसलाधार वर्षा होती है जब धरातल का ऊपरी उत्पादक भाग का तेज पानी के साथ बह जाता है तब धरातलीय या परतदार ये इरोजन कटाव कहलाता है कैस्केड इरोजन कछार वाला कटाव द इरोजन विच इज डिगार्डेड बाई रिवर और फास्ट फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम्स इज कॉल्ड कैस्केड इरोजन भूमि का कटाव नदियों अथवा तेज बहने वाली जलधाराओं के द्वारा भूमि का कटाव होता है उसको कछारदार कछार वाला कटाव कहते हैं इन दिस द सॉइल डिग्रेडेड टू सम डेप्थ एंड बिकम्स ड्रेन्स एंड पिट्स ऑन द लैंड सरफेस इससे इसमें मिट्टी की कुछ गहराई तक कटाव हो जाता है तथा भूमि सतह पर नालियां या गड्ढे बन जाते हैं पिट गड्ढे और ड्रेन्स नालियां बन जाती हैं विंड इरोजन वायु द्वारा कटाव थ्रू द स्ट्रॉन्ग डेजर्ट विंड द फर्टाइल सॉइल ऑफ द सरफेस इज ब्लोन अवे
विच बिलोस क्रिएट हायर मड ड्यून्स इन अदर प्लेसेस। रेगिस्तानी मरुस्थलीय हवाएं के द्वारा भूमि का धरातल की सतह का उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है, जो उड़कर के अन्य स्थानों पर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बना देती है। मड ड्यून्स टीले, अदर प्लेसेस क्रिएट अन्य स्थानों पर। कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के कारण क्या क्या कारण होते हैं। फास्ट एंड हैवी रेनफॉल, मूसलाधार बारिश। सेकंड, द इनफ्लो ऑफ रिवर्स एंड द फ्लड्स इन देम, नदियों का तीव्र बहाव या उनमें बाढ़ आना। थर्ड, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का बर्बाद होना, वनों का कटना। लीव द फील्ड्स ओपन आफ्टर प्लोइंग, खेतों को जुताई के बाद खुला छोड़ देना। मान लीजिए हमने ट्रैक्टर या हल द्वारा खेत को जुताई की और उसमें पाटा नहीं लगाया, उसको दावा नहीं, तो उससे भी वर्षा होती है तो उसका जो जल्दी कटाव हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं। अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग बाय एनिमल्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि पर पशुओं का चराई का काम अनियंत्रित, यानी कि वहाँ पर पशु चरते रहते हैं और अनकंट्रोल्ड, उन पर कोई कंट्रोल, उनको नियंत्रण में नहीं लाया जाता और कृषि योग्य भूमि उससे भी बर्बाद हो जाती है। नो माउंड एंड फील्ड्स, खेतों पर मेड़ों का न बनना, यानी कि अगर खेत के आसपास मेड़ नहीं बनाई जाएंगी तो पानी पड़ेगा, हैवी रेनफॉल होगा तो उसकी भूमि कट करके कटाव उसका ह्रास हो जाएगा। एक्सेसिव स्लोपिंग लैंड, भूमि का अत्यधिक ढालू होना, एक्सेसिव अधिक, स्लोपदार मतलब उतार चढ़ाव वाली भूमि, पानी पड़ेगा तो जिधर को नीचा होगा स्लोप होगा उधर को उसकी मिट्टी बह जाएगी। नो प्रॉपर सिस्टम फॉर ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी के निकास के लिए नालियों का उचित प्रबंध न होना। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, कृषि करने के दोषपूर्ण ढंग, लाइक डू नॉट ट्रेस कल्टीवेशन ऑन स्लोपिंग लैंड्स, जैसे कि स्लोपिंग ढलानदार भूमि पर सीढ़ीदार जुताई या न करना, या सीढ़ीदार खेत न बनाना। डिफेक्टिव मैनी पॉल्यूशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों के बदलने के दोषपूर्ण ढंग, हेर फेर इत्यादि।